हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है इस न्यू वीडियो में। आज जो मैं स्टॉक के बारे में बोलूंगा, वो स्टॉक का नाम है टिप्स इंडस्ट्रीज। तो आपको मैं स्ट्रेट अवे टिप्स इंडस्ट्रीज के चार्ट की तरफ ले चलता हूँ। जो टिप्स इंडस्ट्रीज है, जो आज का क्लोजिंग प्राइस है, अभी वीक का भी खत्म हो गया, तो आपको वीकली भी दिखाऊंगा। आपको जो क्लोजिंग प्राइस है 162 रुपीज है, ठीक है। और ये काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है डेली वीकली में, तो मैं ओवरऑल दिखाऊंगा इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या है, और आने वाले दिनों में क्या पॉसिबिलिटीज है। इसका कुछ रेजिस्टेंस भी बनते हैं, और अगर ये सब ब्रेकआउट ढंग से दिया तो ये यहां से पूरा पॉसिबल है कि 50 to 80 या तो 100% रिटर्न भी दे सकता है, ठीक है। बट ये स्टॉक काफी वॉलेटाइल है, तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉपलस के साथ लेना होगा जो भी आप करोगे तभी, ठीक है। बट ये सब करने के पहले मेरा डिस्क्लेमर एंड में जरूर देख लेना। मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड नहीं हूं, मेरी तरफ से एक आपको डिस्क्लेमर है ये, ठीक है। तो जैसा कि आज का जो प्राइस है 162, और आप ये देख सकते हो यहाँ पे ये काफी वॉलेटाइल है। आप भी देखो, कभी कभी ये अच्छा मूव भी देता है। ये 131 से लेके ये कुछ, ये जो कैंडल है 131 से लेके 63, मतलब 22-23 रुपए का मूव, मतलब 10 से 15% से ज्यादा ही देता है मूव। और आज का भी आप मूव देखोगे तो भी आज का मूव भी इसने काफी अच्छा दिया है। आज का जो लो था 149 से लेके 174, मैंने एक बार ना मेरा टेलीग्राम में दिया था, पर मैंने बोला कि आप अवॉइड कीजिए क्योंकि काफी वोलेटाइल है। तो एनीवे, ये वीकली ब्रेकआउट हो गया है, डेली में भी ब्रेकआउट हो गया है। अभी इसमें कुछ मैं पैटर्न्स नहीं है बनाया, इसमें सिर्फ ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस और ये बनाया, क्या होता है इसको, सपोर्ट बनाया। तो अभी मैं थोड़ा पॉज करके आपको बताता हूँ इसमें क्या दिख रहा है। तो एनीवे, इसमें कुछ लाइन ज्यादा इसमें नहीं बन रहा है, पर इसमें मुझे फ्लाई जैसा लग रहा था, पर एनीवे कुछ हुआ नहीं क्योंकि ये पूरा बॉक्स जैसा हो गया। तो आप इसमें, आपको मैं डेली में थोड़ा लार्जर फ्रेम ले आया हूँ, तो आपको ये दिख रहा है, ये जो ग्रीन लाइन है हल्का सा, ये 135 है। और यहाँ का बेस से आप गिनोगे टारगेट, ठीक है, ये 83 से लेके और ये 135, 17 और 35, मतलब ये 30, 47, 50 रुपीज देना था 135 से लेके। तो 135 से जो आज का जो हाई था 174, ये ऑलमोस्ट लगभग एक टारगेट हो चुका है, ठीक है। बट ओवरऑल वीकली में भी काफी अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है, बट इसमें एक ही फैक्टर है कि ये चीज काफी वॉलेटाइल है, तो ये 10-20% का मूव काफी दे देता है। तो जिस किसी का रिस्क का एपेटाइट है वो ये ले सकते हैं नेक्स्ट वीक में। उसका रेंज होगा, अभी जो फॉर एग्जाम्पल अभी 162 है, तो 164 से लेके आप यहां तक ले सकते हो। यहां का जो करंट मार्केट, यहां का जो है 135 तक भी ले सकते हो, और 130 रुपीज का स्टॉप लॉस आपको लगा के रखना है। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए क्योंकि स्टॉक साधा भी हो जाता है फटक से। तो मैं आपको दिखाऊंगा ओवरऑल वीकली में कैसा दिखता है ये। तभी जो इंडस्ट्रीज है आपके सामने अभी है वीकली, ठीक है। इसमें आपको देख सकता है, इसमें मैंने एक कुछ दिनों पहले एक राउंडिंग बॉटम वाला एक पैटर्न बताया था। देखो यहाँ पे राउंडिंग बॉटम है और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था इसने कुछ 92 के आसपास और 135। तो आप देखिए इसका मूव कितना वॉलेटाइल है वीकली में, 92 से 135 जाके फिर से, ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसको फिर से आने के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिए, ठीक है। और इसमें वीकली में आपको दिख रहा है यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो चुका है, जो इसका प्रीवियस हाई था 2017 का 159 रुपीज। तो ये वीक में जो सा क्लोजिंग प्राइस है 162, तो इसका भी ये ओवरऑल ये ब्रेकआउट दे दिया है। और इसका पिंक लाइन जो इमीडिएट था रेजिस्टेंस 149 वीकली बेसिस में, उसको भी क्लोज किया है उसने, ठीक है। तो जैसा मैं लेवल बताया, अगर वो लेवल्स पे आप लोगे विद स्टॉपलेस स्ट्रिक्ट रखना है, रिस्क आपका ही होगा। मेरी तरफ से डिस्क्लेमर एक बार जरूर एंड में पढ़ लेना, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगा कि इस वीडियो किसी को फॉरवर्ड करना है या तो किसी को शेयर करना है, आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। और इसका जो 162 है, उसके बाद इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस आने वाला है, यहाँ पे एक ब्राउन लाइन है जो 182 है, ठीक है। और ये पॉसिबिलिटीज है ये भी ब्रेक करेगा। मैं अभी इसके रेफरेंस में, जैसे कि मैं इसके बोलता हूँ कि कभी कभी कुछ इंडिकेटर्स आप यूज कर सकते हो, तो अभी इसके साथ मैंने एक RSI रखा है, ठीक है। अब देखने जाके इसका वॉल्यूम ऑलमोस्ट फ्लैट है, यहाँ पे वीकली है, ठीक है। इसका जो लास्ट RSI था यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे RSI कुछ तो 86 तक गया था, तो अभी जो RSI है वीकली वो 76 है। तो अगर RSI इसका ना कैपेबल है कि 86-90 तक जा सकता है वीकली, और ये 2020 में भी इसका RSI कुछ 83 गया था, तो अभी भी अगर यहां से लास्ट 86 पकड़ने के RSI, तो अभी भी 10 पॉइंट RSI का मूव बाकी है।
अगर 10 पॉइंट, तो आपने एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते कि आरएसए 10 पॉइंट अगर ये देता है तो ये आपका प्राइस कितना जाएगा, बट पॉसिबिलिटीज है 182 ब्रेक करने के बाद। ओवरऑल ये मंथली स्ट्रक्चर भी काफी बड़ा ब्रेकआउट दिख रहा है। अगर ब्रेकआउट होगा तो जैसे स्टार्टिंग में आपको बोला था पॉसिबल है, बट स्टॉप लॉस आपको रखना ही है। आपको मैं ओवरऑल मंथली दिखाता हूं कैसा है। तो अभी जो आपके सामने है मंथली है, कुछ ऐसी फॉर्मेशन किसी रिसेंटली टांडला में देखा था, टांडला सॉल्यूशन पर। टांडला सॉल्यूशन काफी अच्छा मिस हो गया, वो काफी अच्छा मूव दिया है। तो अगर ये 182 तोड़ता है ब्रेकआउट में, ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको जो बताया था ना 182 रेजिस्टेंस, अगर 182 रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो इसमें कोई रेजिस्टेंस का कोई टेरिटरी नहीं है, कोई रेजिस्टेंस इसमें है ही नहीं। बट इतना याद रखना कि ये आप जैसे कि आपको दिख रहा है ये काफी स्टॉक वॉलेटाइल है, तो आपको ये बात जरूर देखना है, ठीक है, कि इसमें कैसा इसका मूव देता है। अगर 182 तोड़ेगा तो आपको पॉसिबल है 200 से लेके 240 के बीच में देने का, ठीक है। तो अगर 162 से अगर जैसे कि मैं बाइंग रेंज बताया 162 से आप अगर 240 रुपए दोगे तो 80 रुपीज होता है, ठीक है, और आपको ऑलमोस्ट 50% होता है। तो आप कोशिश कीजिए दो पार्ट में लेना, एक या तो 162 के आसपास, तो आप कोशिश कीजिए एक या तो लोअर रेंज में लेना, ठीक है, एक पार्ट, और एक पार्ट में जो करंट मार्केट प्राइस है वो। पर याद रखिए आपका स्टॉप लॉस भी है, अच्छा खासा स्टॉप लॉस है अगर जैसे जो रेंज में दिया है, बट आप वो स्टॉप लॉस के साथ अगर आप आपका टारगेट डिसाइड करोगे तो टारगेट काफी अच्छा होता है, ठीक है। आप अभी रिसेंटली एक एग्जाम्पल देख लेना, आरबीएल बैंक देख लेना, आरबीएल का जो मैंने रिसेंट एक वीडियो किया था फ्लैग का, जिसमें बोला था दो, एक रेंज बोला था, और रेंज में आपको बोला था कोशिश कीजिए हमेशा लोअर रेंज में देने के लिए। और आरबीएल का मूव देख लेना, आरबीएल भी काफी अच्छा मूव दिया है, ठीक है। तो जिस किसी को वीडियो पसंद आया रहेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको ऐसे लगा किसी दोस्त के साथ शेयर करना था वो भी कर सकते हो। ये जो आपके सामने है मेरा लास्ट पे जो डिस्क्लेमर है, ठीक है, तो ये ओवरऑल मेरा व्यू है टिप्स इंडस्ट्रीज के बारे में। थैंक यू।